धोखेबाज होते हैं ना, मिनट मिनट में कसम खाते हैं अपने माँ बाप की, और बोलने पे पता है क्या कहते हैं, बोलने पे कहते हैं कि अपने को तो मज़ा आता है झूठ बोलने में। दोस्तों ऐसी लड़कियों से दूर रहे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, किस तरह का लड़का और लड़की के लिए प्यार बस खेल होता है? इसका सही जवाब है झूठे और जो सिर्फ संभोग या पैसे के पीछे भागती हैं। दोस्तों झूठे लोग और जो संभोग के पीछे और जो पैसे के पीछे भागते हैं वो कभी सच्चा प्यार कर नहीं सकते। सच्चा प्यार छोड़िए, प्यार कर ही नहीं सकते। प्यार सिर्फ करते हैं और प्यार का नाटक करते हैं सिर्फ संभोग और पैसे के लिए। सिर्फ वो जब बात करेंगे तब संभोग या पैसे के लिए बात करेंगे और उसी चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे, उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और हमेशा वही चीज़ चाहेंगे जो उनकी मर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस समय लड़कियां ज्यादा लिंग पर किस करती हैं? इस समय उनके कान के नीचे जब किस करते हैं तो वो अपना सर इधर उधर करने लग जाती हैं, बहुत उत्तेजित हो जाती है, छटपटाने लग जाती हैं, क्योंकि उनका कान के नीचे, किसी का भी लड़कों का या लड़कियों का कान के नीचे का हिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, नाजुक होता है, और दूसरी जगह जो है उसका जांघ और स्तन। दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे कमज़ोर होती है लड़कियों का, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है वही कान के नीचे का हिस्सा, वहाँ पर जाके किस करेंगे तो बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं लड़कियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, कैसी लड़कियों के साथ प्यार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए? इसका सही आंसर है जो ज़्यादा झूठ बोलती हैं, झूठी कसम खाती हैं। दोस्तों ज़्यादा झूठ बोलने वाली लड़कियाँ कभी किसी की नहीं होती। मेरे पल्ले पड़ चुका है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ और आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ क्वेश्चन के रास्ते, क्योंकि दोस्तों जो लड़कियाँ ज़्यादा झूठ बोलती है वो किसी की नहीं होती, वो माँ बाप की नहीं होती तो आपकी क्या होंगी, क्योंकि झूठी कसम खाने वाले जो। दोस्तों लड़के कैसे अपने लिंग को मोटा और तगड़ा कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर 10th क्वेश्चंस और भी हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, कैसे संभोग करने से ढीली योनि भी टाइट का मजा देती है? इसका सही आंसर है दोस्तों सीधा लेटकर दोनों पैर सटाकर संभोग करने से। दोस्तों इससे ऐसा होता है कि जब दोनों पैर सटाकर संभोग करते हैं तो जो योनि ढीली होती है वो भी टाइट का मजा देती है। क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करने से लड़कियां बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं? इसका सही जवाब है रोमांस के समय उनके कान के नीचे किस करने से। दोस्तों आपने कभी ट्राई किया होगा कि जब रोमांस करते से चोट दिल पे थी इसीलिए दिखा ना सके, हम चाहते तो नहीं थे उनसे दूर होना, हम चाहते तो नहीं थे उनसे दूर होना, मगर दूरी इतनी थी उसे हम मिटा ना सके। हमको आजमाने की ज़रूरत नहीं किसी की, हमको आजमाने की ज़रूरत नहीं किसी की, हम खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। खुदा की लिखावट को बदलना तो हमारी फितरत है, खुदा की लिखावट को बदलना तो हमारी फितरत है, हार को जीत में बदल कर हाथों की लकीर बदलते हैं। उसे भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख पत्थरों पे अपने प्रेम की कहानी और सागर को बोल दम है तो इसे मिटा कर दिखा। हमने रस्म रिवाजों से बगावत की है, हमने बेपनाह उनसे मोहब्बत की है, दुआओं में जिसे था हमने मांगा, दुआओं में जिसे था हमने मांगा, आज उसी ने जुदा होने की चाहत की है। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों, मुझे बदनाम होने का बहाना ढूंढते हो क्यों, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। कई लोग मुझे गिराने में लगे हैं, सारे शाम चिराग बुझाने में लगे हैं, कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए, कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए, जब भी तेरी याद आई तुझे भुला कर रोए। एक तेरा ही तो नाम था जिसे हजार बार लिखा था, एक तेरा ही नाम था जिसे हजार बार लिखा था, जितना लिख के खुश हुए उससे ज़्यादा मिटा के रोए। मोहब्बत इतनी थी कि उनको बता ना सके।